एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मेथी आलू की सुपर टेस्टी सूखी सब्जी, जिसे आप रोटी, दाल, चावल, पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने देखिए 4 मीडियम साइज के आलू को छील करके और इनको हमने छोटे टुकड़ों में कट करके पानी में रख लिया है ताकि आलू काले नहीं पड़े। साथ ही साथ एक बंच मेथी को भी हमने इस तरह से इनके पत्ते हैं वो निकाल लिए हैं डंठल से और इनको हमने साफ पानी से धो करके छान लिया है और छान करके हमने किचन टॉवल पर रख दिया था ताकि इनके जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मेथी के पत्ते अच्छे से सूख चुके, अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से चाकू की हेल्प से हमने इनको जितना हो सकता था छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब चलते हैं हम सब्जी को बनाने। उसके लिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है 2 चम्मच सरसों का तेल। सब्जी आप सरसों के तेल में बनाइएगा तो वे और भी ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और तेल में डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। जीरा और लाल मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा तो उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक कट किया हुआ। अब प्याज को हम अच्छे से गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज हल्के से गुलाबी कलर के हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन, वो भी मैंने कट कर लिया था। स्प्रिंग ओनियन डालने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज के साथ साथ हमने हरे प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसी के साथ इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को क्रश कर लिया था, इनको हमने पेस्ट नहीं बनाया है। इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 1.5 मिनट लगे थे हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए और ये अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें हम आलू डाल देंगे। तो आलू को मैंने पानी से निकाल लिया था और अब हम प्याज के साथ साथ आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो आलू को हमें 50% तक इसी तरह से कुक करना है, आलू जल्दी से कुक हो जाए। इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे। जो हमें बाद में नमक डालना है वो हम अभी ही इसमें ऐड कर देंगे ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाए। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर हम पहले ही हल्दी पाउडर डालेंगे तो आलू में कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने हल्दी और नमक को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा और इनको हम भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए। उसके गैस को एकदम स्लो कर देंगे और इनको हम कवर करके पका लेंगे। तो आलू को हमें 7 से 8 मिनट तक स्लो गैस पर पकाना है ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट हो गए थे और आलू हमारे परफेक्ट कुक हो गए हैं। इसी के साथ इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज के लाल टमाटर लिए हैं, ये थोड़े से टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो इनको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सूखे मसालों मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हम ले लेंगे सब्जी मसाला पाउडर। इससे जो सब्जी का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इसके जगह पर गरम मसाला का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला आप थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि मेथी का अपना ही अलग स्वाद होता है। अब हम मसाले को कुछ देर अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हम इनको कवर कर देंगे ताकि मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो करीब 2 मिनट तक हमने टमाटर के साथ मसालों को अच्छे से कुक कर लिया है। अब देख सकते हैं कि मसालों ने किनारे किनारे से ऑयल रिलीज कर दिया है और टमाटर भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं आपको आलू भी चेक करके दिखा रही हूँ, देखिए हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो गए हैं। और अब इसी के साथ इसमें हम मेथी जो हमने पहले ही कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और उनको हम मसालों के साथ कुछ देर भून लेंगे। यहाँ पर अब हम मेथी को अच्छे से खुले में ही पकाएंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने स्लो पर ही रखा है और इसी तरह से हम मेथी के पत्ते को खुले में पकाएंगे ताकि इनका जो कलर है वो चेंज ना हो, कलर है वो अच्छे से ग्रीन ग्रीन ही रहे। तो करीब 7 से 8 मिनट तक हमने मेथी के पत्ते को अच्छे से कुक कर लिया है। अब देख सकते हैं कि मेथी के पत्ते हैं वो अच्छे से सॉटी हो गए हैं और अब जो सब्जी है वो बन करके तैयार है। करीब हमने इसे 15 मिनट तक अच्छे से पका लिया है सब्जी को और सब्जी हमारे परफेक्ट रेडी है सर्व करने के लिए। गैस को हम बंद कर दें। सब्जी को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मेथी और आलू की सब्जी बन करके तैयार है। आप इसे कोई भी पूरी, पराठे, रोटी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं
और साथ साथ हेल्दी भी है हमारे शरीर के लिए हरी मेथी। तो आप इस सब्जी को जरूर एक बार ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।